हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद होंगे कि आप ठीक होंगे। ठीक है, और वेलकम है आपका पार्ट 7 में, जिसमें मैं फंक्शन ग्रुप्स के बारे में आपको समझाने वाला हूँ। 4 तरीकों के फंक्शन ग्रुप की नेमिंग आपको पढ़नी है बच्चों। ठीक है, पहले हमको समझना पड़ेगा कि फंक्शन ग्रुप होते क्या है। तो दीज आर दोज ग्रुप विच रिमूव हाइड्रोजन, दो या दो से ज्यादा हाइड्रोजन भी रिमूव कर सकता है। ठीक है, फ्रॉम एल्केन्स, कहाँ से रिमूव करेगा? एल्केन से, एंड अटैक फ्री स्पेस, और जो जब हटा देगा तो फ्री स्पेस बचेगी, कुछ जगह बचेगी, उस जगह पे खुद जुड़ जाएगा। ठीक है जी, तो ऐसे चार आपके ग्रुप होते हैं। तो पहला जो ग्रुप है वो है बच्चों अल्कोहल ग्रुप, पहला जो ग्रुप है वो है अल्कोहल, दूसरा जो ग्रुप है वो है एल्डिहाइड, दूसरा जो ग्रुप है वो है एल्डिहाइड, तीसरा जो ग्रुप है वो है कीटोन, और चौथा जो ग्रुप है वो है कार्बोऑक्सिलिक, वो है कार्बोऑक्सिलिक। ठीक है जी, तो ये चार ग्रुप है जिनको मैं बारी बारी आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट मैं स्टार्ट करूंगा अल्कोहल ग्रुप और उसके नेमिंग आपको समझाऊंगा, और फिर चारों की नेमिंग करेंगे फटाफट, है ना। तो आज के पार्ट में मैं आपको अल्कोहल की नेमिंग समझाऊंगा। किसकी नेमिंग समझाऊंगा? अल्कोहल की। तो सबसे पहले हम समझेंगे अल्कोहल की नेमिंग, नेमिंग ऑफ अल्कोहल, नेमिंग ऑफ अल्कोहल। तो पहले हमारे कुछ चीजें जाननी पड़ेगी अल्कोहल के बारे में, कि अल्कोहल क्या होता है, क्या सफिक्स होता है उसका, तो ये सब जानना पड़ेगा पहले मुझे, है ना। तो मैं आपको बता चुका हूं बच्चों कि जो वर्ड रूट होती है, वर्ड रूट होती है, फिर बॉन्ड होता है, बॉन्ड का नाम, नाम तो लिखना पड़ेगा ना बॉन्ड का नाम, उसके बाद क्या लिखना पड़ेगा, उसके बाद फंक्शन ग्रुप लिखना पड़ेगा। तो ये बॉन्ड आपका 1 डिग्री सफिक्स की तरह काम करेगा, और फंक्शन ग्रुप आपका 2 डिग्री सफिक्स की तरह काम करेगा। ठीक है जी, और बॉन्ड में ए एन ई, ई एन ई, वाई एन ई, तीनों में से कुछ भी आ सकता है। और अगर मैं अल्कोहल का सफिक्स बताऊं, अभी फिलहाल मैं अगर अल्कोहल का सफिक्स बताऊं बस, तो बच्चों अल्कोहल का सफिक्स होता है, अल्कोहल को मैं बॉन्ड ओ एच से दिखाता हूं, और उसका सफिक्स होता है OL, क्या होता है OL, OL, ठीक है। तो वर्ड रूट लिखूंगा, बॉन्ड लिखूंगा, उसके बाद OL लिखूंगा, उसके बाद क्या लिखूंगा, OL लिखूंगा। लेकिन बच्चों ध्यान से सुनो बात को, ध्यान से, OL लिख दिया मैंने, लेकिन आप वॉवल जानते हो ना, वॉवल, वॉवल क्या होते हैं, A E I O U, ये मेरे वॉवल होते हैं, ये मेरे क्या होते हैं, वॉवल होते हैं। और आप यहां पर देखो, यहां पर क्या O है, बिल्कुल है, और ये दोनों आपस में जुड़ेंगे, ए एन ई या ई एन ई या वाई एन ई को मैं आपस में जोड़ूंगा, नाम लिख, नाम जब लिखूंगा तो जोड़ना पड़ेगा मुझे, मिक्स करना पड़ेगा, है ना। तो प्रॉब्लम ही हो जाएगी बच्चों कि दो वॉवल को एक साथ नहीं लिख सकते। देखो ई भी तो वॉवल में आता है और ओ भी वॉवल में आता है, तो दो वॉवल को एक साथ नहीं लिख सकते। यहाँ पे भी देखो ई आ रहा है, ओ को लिखूंगा अगर साथ में, ई और ओ को साथ में मैं लिख नहीं सकता हूँ। तभी IUPAC ने एक और रूल बनाया कि जब भी 2 डिग्री सफिक्स यानी कि फंक्शन ग्रुप आ जाएंगे जो बॉन्ड के बाद लगेंगे, तो बॉन्ड का ए एन ई, ई एन ई, वाई एन ई से हम ई को रिमूव कर देंगे, हम ई को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, और तब हम ओ एल लिख देंगे। मतलब ये हो जाएगा ए एन ओ एल, ऐसे करके ई हटा देंगे, ई एन ओ एल, वाई एन ओ एल। तो शायद आप समझ गए होंगे कि ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि दो वॉवल एक साथ नहीं लिखे जाएंगे, तभी हमें ई को क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। छोटी सी बात है लेकिन बढ़िया बात है जो आपको पता होनी चाहिए। तो क्लियर हो गया आपको इतना, इतना क्लियर है। फॉर्मूला लिखे, तो फॉर्मूला लिख लेते हैं, फॉर्मूला, तो फॉर्मूला है सी एन एच टू एन, एच टू एन प्लस वन बॉन्ड ओ एच, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, एक दो बार फॉर्मूला यूज करेंगे, बाकी अपना वही डबल ट्रिपल वाला लगाएंगे, है ना। तो चलो देख लेते हैं जरा, सबसे पहले हम यूज करेंगे मिथ, तो सबसे पहले मिथ यूज करते हैं, फॉर्मूला लगाएंगे सी एन एच टू एन प्लस टू, तो ये हो गया फॉर्मूला सी एन एच टू एन प्लस वन बॉन्ड ओ एच। देखो मिथ में का, मिथ में एन की वैल्यू 1 होगी, तो यहाँ पे एन की वैल्यू 1 डाल दी, और यहाँ पे 2 × 1 हो गया, प्लस 1 हो गया, फिर बॉन्ड ओ एच हो गया, तो सी वन एच थ्री ओ एच, और मैं 1 को नहीं दिखाऊंगा तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला, सी एच थ्री ओ एच बन जाएगा, बिल्कुल सही। अगर इसका ओपन स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ तो कैसा बनेगा, तो इसका ओपन स्ट्रक्चर पहले कार्बन और ओ एच को लिख लेता हूँ, तो मैंने कार्बन लिखा और ओ एच लिख लिया। अब आप मुझे बताओ, कार्बन एक एक जगह से तो जुड़ चुका है, सिंगल बॉन्ड मतलब एक जगह से जुड़ चुका है, तो कितनी जगह बची उसके पास, 3 जगह बची, तो यहाँ पे ऐसे ऐसे करके ये इस तरह से भी जुड़ जाएगा, ऐसे करके,
तो हम इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं। और अगर आपको OH में डाउट हो रहा है कि O और H के बीच में क्या होगा, तो बच्चों मैं बता देता हूँ, इसमें भी सिंगल बॉन्ड होता है, इसमें भी क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। तो इस तरीके से हम इसको शो कर सकते हैं, ठीक है। और कंडेंस फॉर्म की बात करें तो दोबारा से वही CH3OH बन जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पे फॉर्मूले में बनाया अभी, है ना। चलो अब करते हैं बच्चों IUPAC की बात। IUPAC तो मुझे कुछ रिकॉल कराना है, पहले आपको रिकॉल तो कराना ही पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं चलेगा। मैंने आपको कुछ बताया था कि CH4 को CH3 में बदल सकते हैं, C2H6 को C2H5 में बदल सकते हैं, C3H8 को C3H7 में बदल सकते हैं। एक एक हाइड्रोजन क्या करा रहे हैं बच्चों, रिमूव करा रहे हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, मीथेन। लेकिन इसको मीथेन ना बोलकर, इसको जिसमें से हाइड्रोजन रिमूव हो गया इसे बोलेंगे मिथाइल। क्या बोलेंगे, मिथाइल। इसको इथेन ना बोलकर इस वाले को बोलेंगे इथाइल, क्योंकि एक हाइड्रोजन क्या हो गया, रिमूव, और इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया, तो क्या बोलेंगे, प्रोपाइल बोलेंगे बच्चों। क्या बोलेंगे, प्रोपाइल। तो ये एल्काइल ग्रुप की तरह बिहेव करेगा। जिसने ट्रिपल बॉन्ड की कहानी नहीं देखी वो देख ले, क्योंकि मैंने उसमें आराम से समझा रखा है कि इसको मिथाइल विथाइल क्यों बोलते हैं। तो एक बार वो देख के आए, पार्ट 6 देख कर आए, ठीक है। चलो देखो कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। IUPAC में कार्बन देखो, कार्बन कितना है, एक कार्बन है। तो एक कार्बन के लिए क्या यूज करोगे, मिथ। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या यूज करोगे, ANE सफिक्स, है ना, बॉन्ड आएगा भाई, वर्ड रूट आएगी, फिर बॉन्ड आएगा, बॉन्ड भी लिख दिया, फिर मैं OH का सफिक्स लिखूंगा, तो OH का होता है OL, तो ये मैंने OL लिख दिया। लेकिन वही वॉवल की कहानी कि दो वॉवल को एक साथ नहीं लिख सकते, तो मुझे E को रिमूव करना पड़ेगा, और E को रिमूव करके फिर OL ऐसे करके लिखना पड़ेगा। तो ये है मिथेनॉल, क्या है ये, मिथेनॉल, ठीक है। और कॉमन नेम की बात करें तो मुझे फिर कार्बन को पहले लिखना पड़ता है, तो कार्बन तो CH3 है भाई, इसका नाम तो हमें पता ही नहीं है, तो ये कहां से बना है, CH3 या CH4 से बना है असल में। तो CH4 को मीथेन बोलते हैं, लेकिन एक हाइड्रोजन अगर रिमूव हो जाता है तो CH3 को मीथेन नहीं बोलते है, क्या बोलते हैं, मिथाइल। तो मैं यहां पे बोलूंगा मिथाइल, और कौन सा ग्रुप जुड़ा है, एल्कोहलिक ग्रुप, तो एल्कोहल लिख देंगे, मिथाइल एल्कोहल। तो इस तरीके से इसका काम हो जाएगा। सेकेंड इथ शुरू करते हैं, इथ इसकी बच्चों फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी मैं आपको पढ़ाऊंगा इथेनॉल की, ठीक है, बहुत जरूरी केमिकल प्रॉपर्टी आएगी, और इथेनॉल को हम आगे जाके पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी। तो इस पर जरा गौर करना, और पेपर में भी पूछा जाता है, ये पेपर में इसका स्ट्रक्चर बना हुआ और आपको इसका नाम लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला CnH2n+1 और बॉन्ड OH, तो C2H2 × 2+1 और बॉन्ड OH, तो हो जाएगा C2H5OH, ठीक है। तो देखो पहले मैं दो कार्बन और OH को साथ में लिख देता हूँ, तो ये मैंने दो कार्बन लिख दिया और OH को मैंने साथ में लिख दिया। अब यहाँ पे इस वाले हाइड्रोजन को देखो, दो दो बॉन्ड से घिरा हुआ है, बगल बगल में सिंगल सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन उसका यूज हो गया होगा, तो कितनी जगह बची, दो जगह बची। तो यहाँ पे मैं दो हाइड्रोजन को जोड़ूंगा, और यहाँ पे मैं कितने हाइड्रोजन को जोड़ूंगा, इस वाले पे तीन हाइड्रोजन को जोड़ूंगा। कंडेंस फॉर्म CH3CH2OH, तो इस तरीके से हम कंडेंस फॉर्म भी इसकी बना सकते हैं। अगर इसके IUPAC नेम की बात करें तो इसका IUPAC नेम क्या होगा बताओ, मिथ इथ। इथ लिखा, सिंगल बॉन्ड के लिए ANE लिखेंगे, पर E को हटाएंगे और OL लिख देंगे, तो ये हो जाएगा इथेनॉल। क्या हो जाएगा बच्चों, इथेनॉल। और अगर इसके कॉमन नेम की बात करें, कॉमन नेम, तो कॉमन नेम के लिए पहले आपको कार्बन के चेन को ऐड करना पड़ेगा। ऐड भी क्या करना है, यहां से लॉजिक ले लो ना, पता है तुम्हें वायल लगेगा, मिथाइल तो लगेगा। देखो कितने कार्बन है, एक और दो, टोटल दो कार्बन है। दो कार्बन में कौन आता है, मिथ आता है कि इथ आता है, इथ आता है, लेकिन हाइड्रोजन के नंबर कम है, हाइड्रोजन के नंबर कम है, तो तुम इथेन ना बोलकर क्या बोलोगे, इथाइल। यहां से लॉजिक पकड़ लो, इथेन ना बोलकर क्या बोलोगे, इथाइल बोलोगे। क्या बोलोगे, इथाइल। और इसको इथाइल एल्कोहल भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, इथाइल एल्कोहल भी बोला जाता है, ठीक है। एक और कर लेते हैं इसका थर्ड प्रोप, तो CnH2n+1 और बॉन्ड OH, तो C3H2 × 3+1 और बॉन्ड OH, तो C3H7OH। तो पहले मैं इसका ओपन स्ट्रक्चर बना देता हूँ, तो इसका ओपन स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, 1, 2, 3 और साथ में OH, सिंगल बॉन्ड दिखा दिया। इस वाले हाइड्रोजन पे मैं सीधा इसके कंडेंस फॉर्म बना देता हूँ, तो ये हो गया 2, इसकी बन गई 2 और इसकी बन गई 3, ऐसे ही। तो इसमें 2 जुड़ेंगे, इसमें 2 जुड़ेंगे, इसमें 3 जुड़ेंगे, है ना। IUPAC नेम, तो IUPAC नेम बहुत सिंपल है, प्रोप लिखो,
एन ई लिखो और ई हटा के बस ओ एल कर दो, तो ये बन गया प्रोपेनॉल। और अगर इसका कॉमन नेम लिखना चाहते हो तो बताओ कितने कार्बन है, तीन है ना, पर हाइड्रोजन की हाइड्रोजन एक की कमी होगी तो प्रोपेन ना बोलोगे क्या बोलोगे, प्रोपाइल, क्या बोलोगे प्रोपाइल, तो ये हो जाएगा आपका प्रोपाइल एल्कोहल। तो बच्चों मैंने आपको आइडिया दे दिया है कि आपको कैसे करना है, बाकी नाम आपको खुद लिखना है, कोई दिक्कत होगी तो मेरे से पूछ लेना और कर लो इसे, ठीक है, फंक्शन ग्रुप। और मैं फिर पार्ट एट जो है वो एल्डिहाइड का डालूंगा, तो एल्डिहाइड का पार्ट एंजॉय करना आप, ठीक है। अल्कोहल का तो मैंने आपको बता ही दिया है कि ज़्यादातर इंपॉर्टेंट ये है, यही पेपर में स्ट्रक्चर काफ़ी बार बना हुआ आ जाता है और आपको इसका नाम लिखना पड़ता है, ठीक है। तो मैंने सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और अल्कोहल आपको समझा दिया है, तो आप लगातार वीडियो देखना और कहीं पे दिक्कत होती है तो मेरे से पूछ लेना, आपको कहीं पे दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर कहीं पे दिक्कत होती है तो इवन आप कॉल करके भी मेरे से पूछ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर पड़ा हुआ रहता है। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ओके, थैंक यू।